मेरा डांडी कांठियों का मुल्क जेलियों बसंत ऋतु माजे बसंत ऋतु। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं ज्योति नेगी स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में मेरे छोटे से गांव छिलौगी तली से। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है खूबसूरत से सुबह के साथ, और अभी हो रहा है टाइम सुबह के 8:30 बज रहे हैं और सामने देख सकते हैं सूर्य भगवान भी काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। और मैं और अंशु अभी तो मैंने नाश्ता बना लिया है, ये देख सकते हैं आटे के हाथ भी नहीं धोए, अभी रोटी बनाई थी मैंने, तो चटनी बनाने के लिए धनिया और लहसुन लेने जा रहे हैं खेत में। तो अंश भी मेरे साथ आ रहा है और उसने बोला मम्मा मेरे को भी ऐसा बांध दो जैसा आपने बांध रखा है। तो कैसे लग रहा है अंश, क्यूट लग रहा है ना, हैं? हाय कर दे, गुड मॉर्निंग बोल दो, प्रणाम, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोल दो, प्रणाम करता है नहीं बोल रहा अभी गुड मॉर्निंग। तो आज की धूप ना बहुत तेज़ लग रही है मुँह पे सामने से, तो चलिए चलते हैं खेत में और लहसुन धनिया के पत्ते लाते हैं, उसकी चटनी बनाऊंगी मैं अभी। और शिवानी चली गई है पेपर देने स्कूल, आज उसका पेपर है, तो अब 2-3 पेपर ही रह गए शिवानी के, 10th के एग्ज़ाम हो रहे हैं आजकल 10th 12th के, तो वो तो चली गई है। और सासू माँ नीचे गोसे बना रही है गाय भैंस के गोबर की, तो चलिए चलते हैं देखते हैं बनाए नहीं बनाए उन्होंने। और ससुर जी भी मार्केट गए हैं आज किसी काम से, हैं ये देखो इस लड़के को। तो माँ ने यहाँ पे गोसे पहले ही बना दिए हैं, मैं अंदर थी तो दिखा नहीं पाई, ये देख सकते हैं गोसे बना दिए हैं। और भैंस को देख सकते हो मारती है ये भयंकर, ले आटे के हाथ चाट रही है मेरा, वह है वह है, हाँ मारेगी मारे मारे ले, आज नहीं मारे भाई आज नहीं होने, माने को देखा थी यार, देखा आने उड़ो माना कौन देखा, हले खाली आता है आज नहीं आ रही भाई मारने के लिए। अंजू चल ये चप्पल क्यों पकड़े हाथ पे, नीचे कर नीचे कर नीचे कर, आ जा चल आ जा आओ। और हमारे इस वाले पेड़ पे आम भी आना स्टार्ट हो गए, ये देख सकते हैं छोटे छोटे आम, इतना छोटा पेड़ है कितने सारे आम आ रखे हैं। अंशु आपके मैंगो आ गए बेटा, मैंगो आ गए, मैंगो टोटू क्या है, क्या है वो क्या, टमाटर क्या टमाटर है, टमाटर थोड़ी है बेटा, मैंगो है, मैंगो मैंगो है ना मैंगो। तो जिस क्यारी में हमने लहसुन लगा रखी थी वहाँ पे मैं आ गई हूँ पत्ते लेने के लिए, तो ये देख सकते हैं कितने हरे भरे पत्ते हो रहे हैं पूरी क्यारी में, तो यहीं से ले जाते हैं चटनी बनाने के लिए पत्ते। अब मुझे ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है धनिया लहसुन की चटनी, सब्जी ना भी मिले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को, चटनी से ही काम चल जाता है हम पहाड़ी लोगों का। तो इतने पत्ते काफ़ी हैं आज की चटनी बनाने के लिए, अब लेते हैं धनिया के पत्ते, हैं धनिया के पत्ते चाहिए आपको, हैं धनिया के पत्ते, ये किसके पत्ते हैं, ये पकड़ो गिराना नहीं, हाँ हाँ धनिया। तो इस वाली क्यारी में से लूँगी मैं धनिया के पत्ते, लेकिन पत्ते तो है ही नहीं आजकल, पूरा धनिया फूल गया है, सारे धनिया में बीज आ गए हैं, तो यहाँ से छांटना पड़ेगा मेरे को धनिया के पत्ते नीचे नीचे से, क्या चटनी बनाने के लिए लहसुन और धनिया के पत्ते भी मैंने निकाल लिए हैं। तो ये मैंने नीचे नीचे के पत्ते ढूंढ ढूंढ के निकाले आज ना, मिल ही नहीं रहे थे। और ये कह रहा है मेरे को पानी पीना है, पानी पीना है, प्यास लगी, हाँ प्यास लगी वे बेटे को, चुप चुप प्यास लग गई है
अच्छा क्यों लग रहा है ना ऐसे गेटअप में है? तो अभी आ गई हूँ मैं अपने पहाड़ी रसोड़े में और ऊपर देख सकते हैं ससुर जी ने अब बरसात के टाइम के लिए लकड़ियाँ स्टोर करके रख दी है। बरसात के टाइम पे हम ना जंगल जा पाते हैं और बाहर भी लकड़ियाँ गीली हो जाती हैं, तो इस वजह से ससुर जी ने ऊपर रख दिए हैं लकड़ियाँ ताकि यहाँ से आसानी हो लकड़ियाँ निकालने में भी और सूखी भी रहे लकड़ियाँ। और ये देख सकते ये पक्की इनको कड़ी बोलते हैं, कड़ी है ये, तो इन पर अटका रखा है उनको ऊपर पे ना। तो अब चटनी बनाते हैं। तो पत्ते भी मैं धुल के ले आई थी तो उनको पहले काट लेती हूँ मैं और उसके बाद बनाते हैं चटनी। और इसने पूरी दाल गिरा दी है अंदर आके, स्टोव में दाल रखी थी माँ ने तो इसने गिरा दी। लहसुन और धनिया के पत्ते मैंने मोटे मोटे चॉप कर दिए हैं और अब पीसने जा रही हूँ मैं आज की चटनी पहाड़ी सिलबट्टे पे। तो इसमें डालूँगी मैं एक चम्मच नमक डाल दिया है मैंने। अब थोड़ी सी डालूँगी मैं मिर्ची, तो एक चम्मच डाल रही हूँ मैं इसमें लाल मिर्ची पाउडर। आजकल हरी मिर्चें नहीं है तो लाल मिर्च का ही प्रयोग करने जा रही हूँ मैं इसमें। धनिया और लहसुन की पत्तों की चटनी बनके हो चुकी है तैयार और मैंने देख सकते हैं पहाड़ी सिलबट्टे में बारीक करके पीस दिया चटनी को। और सिलबट्टे में पीसी हुई चटनी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा गजब का होता है। तो पहले मैं इसको कटोरी में निकाल लेती हूँ। तो आज हमारी फिर से मट्ठा बन रही है, तो सामने मट्ठा बनाने के लिए गर्म पानी चूल्हे पर चढ़ा रखा है और सामने देख सकते हैं परड़ा निकाल रखा है मट्ठा बनाने के लिए। प्रणाम प्रणाम का बाजार जाना जी। अच्छा तो आज बन रही है हमारी घर की दाल, तो ये है हमारी तोर की दाल, तो अपने खेत की है तो ये बनाने जा रहे हैं हम आज। तो इसको चढ़ा देते हैं पहले चूल्हे पे। तो माँ ने अंदर शुरू कर दिया मठा बनाना और शिवानी आज स्कूल गई है तो झाड़ लगाने का काम मुझे करना पड़ेगा, तो पहले सफाई कर लेते हैं अंदर की और फिर माँ के साथ थोड़ा मठा बनाते हैं। माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है आजकल तो बना नहीं पाते, वो तो हेल्प करनी पड़ेगी। वैसे आता नहीं है मुझे बनाना, लेकिन चलो सीखते हैं, सीखने पर ही आएगा ना सब कुछ। तो पहले मैं झाड़ लगा लेती हूँ सारे कमरों में और थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आपको। तो रूम की सफाई भी अच्छे से कर दी है मैंने और सामने बेडिंग भी कर दी है और सारे कमरों की सफाई कर दी है मैंने अच्छे से। इस वाले कमरे की भी ये देख सकते हो बेडिंग भी कर दी है सब कमरों में और आंगन की सफाई भी कर दी है। अड्डू की कहाँ भाग गया? अंशु कह रहा है मट्ठा बना लूं मम्मा दादी के साथ। बार चलिए हम मठा बनाते हैं। आजा चला गया डुगी, आजा रहने दे, यहाँ है डुगी देख। और डुगी खुल गया आज भाग रहा है, इसने ना परसों अंशु को काट दिया था, मैंने इसको मारा है तो डर रहा है ये बहुत ज़्यादा। देखा देख आएगा नहीं वो मेरे पास। तो माँ ने शुरू भी कर दिया मठा बनाना, ये देख सकते हैं काफ़ी हो गई है मठा शायद, ये देख सकते हैं मक्खन लगना स्टार्ट हो गया और हम अब आ रहे हैं। अच्छा बोलो दादी मेरे पास दो बार मठा बनाने ले, जा बना जा दे दे आएगा मजा रश, जा जा दादी दे रही है बना। अंजू बनाएगा मठा ले, बना दो चलो बनाओ, हाँ पकड़ पकड़ बना बना दादी के साथ। ये आ तो अंजू ने बना दी मठा भाई, बन गई हाँ कह रहे यस बस हो गया। चलो दादी को बना दे दो, अरे खराब हो जाएगी नहीं तो खराब हो जाएगी बेटा मठा। तो हमारा मक्खन बनके हो चुका है तैयार और सासू माँ ने पूरा मक्खन भी निकाल लिया है पतीले में। और इसकी शैतानी देखो, इसने सारा पानी गिरा, लो चलो ब्रश करेंगे आप, लो लो ये आपका ब्रश है, चलो चल कोलगेट करेंगे, आ जा बाहर आ आ।
तो हमारा मक्खन बनके हो चुका है तैयार, और सासू माँ ने पूरा मक्खन भी निकाल लिया है पतीले में। और इसकी शैतानी देखो, इसने सारा पानी गिरा। लो चलो ब्रश करेंगे आप, लो लो ये आपका ब्रश है, चलो चलो कोलगेटी करेंगे, आ जा बाहर, आ आ। तो अब करने जा रही हूँ मैं नाश्ता। आज के नाश्ते में बनी है हरी लहसुन और धनिया के पत्ते की चटनी, और ये जो अभी मक्खन बनाया था सासू माँ ने, और ये मेरी रोटियाँ, और इस वाले लोटे में मैंने मठा ले रखी है पीने के लिए। आजकल गर्मियों का टाइम स्टार्ट हो गया तो मठा पीने का बहुत ही ज़्यादा मन करता है, तो ये देख सकते हैं ताज़ी ताज़ी मठा। तो अंशु तो आ नहीं रहा है नाश्ता करने के लिए, उसने एक रोटी में मक्खन ऐसे ही खा लिया था, तो वो बाहर अपनी दादी के साथ है। तो मैं अपने रूम पे आई हूँ नाश्ता करने के लिए, तो पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ और आप लोगों को थोड़ी देर में मिलते हैं आप नाश्ता के बाद। तो अंशु को मैंने आज ठंडे पानी से नहला दिया। ए अंशु, ठंड लग रही ठंड लग गया अंशु को, कैसे बैठा है देख तो, कैसे बैठा है ये लड़का कैसे बैठा है। डुगी डुगी देख रही है, कह रहे डुगी देख रहा है मेरे को। डुगी तो बैठा है धूपी में, अंशु भी बैठा है। हाँ। चल ये लगाओ, ये किरी में लगाओ, लगाओ तो। अंशु को नला धुला के मैंने रेडी भी कर दिया है, और ये मेरे कॉफी भी कर दिया अंशु की ना। अंशु के बालू कितने शॉफ्ट लग रहे हैं। तो ये डब्बे क्यों पकड़ रखे आपने? ऊपर क्रीम लगा दे मम्मा के, मम्मा के क्रीम लगा दे। तो क्रीम वाली होली खेल रहा था अंशु अभी मेरे साथ, लगा दे तो ऐसे खोलते हैं यहाँ से। ये लो क्रीम लगा दो तो मम्मा के। अभी देखना है इसको। क्या कर रहे हो आप? होली लगा रहे हो। मच्छर बकुम मारेगी, बकुम मारेगी तेरे को बड़ी वाली। तो अभी आ रखी हूँ मैं लकड़ी लेने जंगल, और मैंने लकड़ियाँ भी काट ली है अपने लिए, और अपना भाड़ा भी लगा दिया है लकड़ियों का। और मेरी उंगली भी कट गई आज थोड़ी सी, और आज तो फिर से मौसम खराब हो गया है, बादल लग गया है आज फिर से, देख सकते हैं ऊपर चारों तरफ बादल लग गए। तो अभी मैं अपने रूम पे आ चुकी हूँ, और अंशु को मैंने सुला दिया है, ये देख सकते हैं अंशु सो गया है। तो अब मुझे अपना ब्लॉग भी एडिट करना है, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त कर देती हूँ। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट्स करें, और साथ में जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।